अरे कितनों का भाग्य लिखेंगे? अरे साढ़े चार लाख का। अच्छा, जो नई दुनिया की पालना करने वाले हैं वो 4.5 लाख होंगे। नई पालगंज, नई दुनिया की पालना करने वालों की गंध, वो तो हो गया नेपालगंध। लेकिन तुम तो नेपालगंध के तो नहीं हो, कहाँ के हो? राइटरपुर के। वो तो लिखने का उसका अधिकार है ना, जैसे दादा लेखराज का नाम था, क्या नाम था? लेखराज। तो उसका अर्थ क्या हुआ है? एक एक के भाग्य का लेख लिखने वाला। राइटरपुर, लोग पूछेंगे राइटरपुर कहाँ पर है, फिर बताना पड़ेगा नेपालगंज में। नेपालगंज कहाँ है? उसका नाम ही है नेपाल। राइटरपुर नेपाल में। हाँ जी बोलो बोलो। सब कुछ लिखते ही रहेंगे, बोलेंगे कुछ नहीं। अब अभी जो म्यूजिकल चेयर का बात बताया है, अभी जो मुल्लिंग है ये म्यूजिकल चेयर का जो बताया, म्यूजिकल मतलब चेयर, चेयर रेस, कुर्सी, कुर्सी दौड़। पहले दो का बताया, पहले दो का क्लियर होता है। लक्ष्मी नारायण कौन बनने वाले हैं? सारे विश्व के मालिक है जो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने वाले कौन है? वो कुर्सी दौड़ नहीं हुई, हुई कि नहीं हुई है? नहीं हुई। विष्णु पार्टी वाली कहते हम नहीं मानेंगे, नहीं हुई है। नेपाल वाले क्या कहते हैं? विष्णु पार्टी वाले बताते हैं कि बाबा ने बोला दो चीज हो गई। हाँ, लक्ष्मी नारायण की सीट विश्व। तो कौन किसको बताते हैं लक्ष्मी नारायण? बंगलोर वाले, बंगलोर की विष्णु पार्टी वाले कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण फिक्स हो गए वत्सला और वेंकटेश भाई। और अहमदाबाद की विष्णु पार्टी वाले बताते हैं लक्ष्मी नारायण फिक्स हो गए, कौन? दशरथ पटेल और सुषमा माता। उनसे पूछा जाए सन 76 में तुम थे, ज्ञान में थे? जब ज्ञान में ही नहीं थे, बेसिक में ही नहीं थे, एडवांस में ही नहीं थे, और सन 76 के लिए बोला। इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? 66 की मुरली में बोला ना, आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए जब इन लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ। तो मालूम दशरथ पटेल क्या बताते हैं? नहीं मालूम क्या बताते हैं? वो 66 में से 10 साल कम कर देते हैं, कहते हैं सन 56 में जन्म हुआ, माने लौकिक जन्म को बता देते हैं। क्या है? हाँ, हद का जन्म बता देते। फिर उनसे पूछा जाए, अच्छा चलो ये बात भी मान ली, तो सुषमा माता का जन्म कैसे साबित करोगे सन 56 में? साबित होगा? वो तो उनसे उनकी उम्र के मुकाबले बहुत कम है। तो एक का लौकिक बता देना और दूसरों का बुद्धू बना देना, ऐसे तो चलेगा नहीं। ऐसे ही बंबई में एक सतीश भाई निकले, एक अनिल भाई है, डॉक्टर अनिल, वो कंप्यूटर से ढेर सारा ज्ञान सुनाते रहते हैं। हैदराबाद में नागराज भाई है। तो तुम्हारी कुर्सी दौड़ वाली बात तो फेल हो गई है,
फाइनल दौड़ बाबा जब होगी तब। फाइनल दौड़, फाइनल दौड़ एक कुर्सी की, दो कुर्सियों की, या तीन कुर्सियों की, या आठ कुर्सियों की, कितनों की होगी फाइनल दौड़? एक की प्रवृत्ति मार्ग स्थापित हो रहा है। हाँ? तो दो कुर्सियों की तो शुरुआत ही होगी। दो कुर्सियों की फाइनल दौड़ अभी होगी? तो हो गई, लेकिन वो अच्छा, संपूर्ण विश्व में हाँ, जो प्रत्यक्षता का जो इसे कंस वध जब हो जाएगा या रावण वध जब हो जाएगा हाँ, वो सभी लोग मुझे मान लेंगे कि हाँ यही है दो मूर्तियाँ जो लक्ष्मी नारायण के रूप में है। अभी तो कोई स्वीकार नहीं कर रहा है जल्दी। मुरली कोई स्वीकार करे या न करे, लेकिन मुरली स्वीकार कर रही है तो जो मुरली को मानने वाले बच्चे हैं वो तो स्वीकार करेंगे। मुरली ने तो बोल दिया कि 10 वर्ष के बाद लक्ष्मीनारायण का राज्य स्थापन हो जाएगा। पांच विकारों का अंत हो जाएगा, तो हो गया। विकारी दुनिया का अंत हो जाएगा, निर्विकारी दुनिया स्थापन हो जाएगी, तो हो गई है। अभी कहाँ हो गई? देखो दो मूर्तियों में हो गई, दो मूर्तियों में प्रैक्टिकल जीवन में, प्रैक्टिकल साकार कर्म इंद्रियों के हिसाब से वो निर्विकारी दुनिया स्थापन हो गई। हाँ, कोई भी काम होता है पहले सूक्ष्म में संपन्न होता है और बाद में स्थूल में होता है। तो जो पहले मन के ऊपर है, मन के संकल्पों के आधार पर नई दुनिया की स्थापना होगी या स्थूल में हो जाएगी, ये अंदर की बात है समझने की, जो बाबा ने बोली थी। और संकल्पों को बीज कहा जाता है, बीज पावरफुल होगा तो वृक्ष भी पावरफुल बनेगा। हाँ, तो आपका प्रश्न क्या था इस कुर्सी के बारे में? वो जैसे आज इसमें 2 का हुआ, फिर 3 का हुआ। हाँ? फिर मतलब इसका फाइनल कितने का होगा? फाइनल जो अभी 8 का भी कहाँ हुआ पूरा? 8 में भी 2 का ही तो क्लियर हुआ है। मतलब इसका एंड कितने कुर्सी से होगा, मतलब लास्ट एंड जो गेम ओवर होगा ना उसका लास्ट? ये राज परिवार डिक्लेयर हो रहा है ना, तो राज परिवार में ज्यादा से ज्यादा भांति कितने होते हैं? 16,108। बाकी यथा राजा तथा प्रजा के हिसाब से 16,000 ही यथा राजा तथा प्रजा कहे जावेंगे, या जो भी 4.5 लाख है वो सारे यथा राजा तथा प्रजा की लिस्ट में होंगे हैं? हाँ, पहले जन्म की जो प्रजा है उसकी भी कोई खसूसियत है जो और 84 जन्मों में नहीं है। वो विशेषता ये है कि वो 4.5 लाख आत्माएं सारी की सारी ज्ञानी तू आत्माएं होंगी। जो मुरली में बोला ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है, तो फाइनल तो वो होगा। और पंखा या तो बंद कर दो, आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है। एनएस का मतलब क्या है? एन माने नया, एस माने संगठन, नया संगठन। 76 में जब एडवांस का फाउंडेशन पड़ा यमुना के कंठे के किनारे, जितने भी सेवा केंद्र थे देश ज्ञान के, उनमें एक तरफ हाहाकार हुआ और दूसरी तरफ कुछ आत्माओं के बीच जिन्होंने एडवांस ज्ञान सुन लिया वो जय जयकार करने लगी। तो यमुना के कंठे पर नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश हुआ। शुरुआत कहाँ से हुई?
कहीं से तो शुरुआत हुई होगी, तो शुरुआत जहाँ से हुई उसका नाम था, स्थान का नाम पुराना शाहदरा, क्या ओल्ड शाहदरा, तो वो हुआ ओएस। वो था फाउंडेशन पड़ा था दिल्ली के नॉर्थ में, पूरब में। सूरज कहाँ से निकलता है? हैं? उत्तर में निकलता है, नहीं पूरब में निकलता है। तो दिल्ली के पूरब साइड से शुरुआत हुई और अब पश्चिम में पहुंच गया। तो वो था पुराना शाहदरा और अब पश्चिम में जो संगठन तैयार हो रहा है ब्राह्मणों का वो है नया शाहदरा, शाहदरा, शाहों का दरा माने नया संगठन ब्राह्मणों का। संगठन माने किला, आजकल जो मकान बनाते हैं ना कई कई स्टोरी का, कई कई मंजिलों का, तो देखा होगा कि पहले मकान को चारों तरफ पर्दे से ढकते नहीं थे। अभी जो भी नए नए मकान बन रहे हैं कई कई मंजिलों के, उनको क्या करते हैं चारों तरफ से पर्दा लगा देते हैं, माना दुनिया की नजरों से क्या करते हैं छुपाते हैं। तो ये फाउंडेशन वास्तव में पड़ता कहाँ है जो दुनिया ये फॉलो कर रही है, यहाँ ब्राह्मणों की संग में दुनिया में ये फाउंडेशन पड़ता है। चैतन्य की बात है, चैतन्य ब्राह्मणों का संगठन का किला तैयार होता है तो गुप्त में तैयार होता है। क्या एनएस में रहने वाली बहन माउंट आबू जाएंगी या नहीं जाएंगी? अच्छा, वो एडवांस पार्टी में है या नहीं है? जल्दी जल्दी जवाब देते जाओ। है, एडवांस पार्टी में है, और जो भी एडवांस पार्टी में ऊंची नजरों से देखे जाते हैं वो रुद्रमाला के मणके हैं या नहीं है? 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 तो जो भी रुद्रमाला के मणके होंगे वो रुद्राक्ष के मणके होंगे या नहीं होंगे? हैं? तुम तो ये जानती हो कि रुद्राक्ष कहाँ पैदा होता है, रुद्राक्ष के पेड़ ज्यादा कहाँ पैदा होते हैं? हैं? नेपाल में पैदा होते हैं। ये तो स्थूल नेपाल है, नई दुनिया का पालना करने वाला नेपाल, और वो है चैतन्य नेपाल। चैतन्य में नई दुनिया की स्थापना करने वाला, पालना करने वाला नेपाल। तो उस उसमें जो आत्माएं होंगी वो तपस्वी नहीं होंगी, हैं? अच्छे अच्छे 36 प्रकार के भोग खाने में लगी हुई होंगी क्या, कि तपस्या करने में लगी हुई होंगी? हैं? तो जब यहाँ तपस्या कर रही है तो माउंट आबू में जब तपस्या भूमि तैयार होगी तो वहां उनका हिस्सा नहीं लगेगा, वो तो सबसे पहले पहुंचेंगी। उनके नाम से तो अभी से ही जमीन जायदाद वहां खरीदी जा रही होगी, क्या कई कई मंजिल की इमारतें भी वहां खरीद ली गई होंगी। नहीं समझ में आ रहा है क्या? हैं? जमीन भी खरीद ली गई होगी तो वहां तपस्या नहीं करेंगे जाके? है? करें? कोई फाउंडेशन जमाया जाता है तो कोई किसी कारण से जमाया जाता है या ऐसे ही जमाया जाता है? कोई कारण होता है तो फाउंडेशन जमाया जाता है। और आप अपने लिए नहीं सोचते क्या, हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे वहां तपस्या करने? हैं? घरवार को छोड़ना नहीं चाहते क्या? और
मन है दादा है? मन तो है हमको क्या तो? मन है, दिल नहीं है। दिल मन है, दिल मन एक ही बात तो है। अच्छा अच्छा, फिर कोई ज्ञान में नहीं जाएगा तो हम अकेला क्या करेंगे? कोई सड़क से ज्ञान में नहीं जाएगा तो हम अकेला क्या करेंगे? हम अकेला क्या करेंगे? मन तो है। क्यों? परिवार में कोई ज्ञान में नहीं चलता है तो हम अकेले ज्ञान में नहीं चलते हैं क्या? हाँ चलते हैं ना, ऐसी तो कोई बात नहीं। और आप तो बाल सफेद हो गए, झुर्रियाँ पड़ गई, बूढ़े हो गए, आपको क्या लगाव पड़ रह गया? अभी सारा काम तो कर लिया परिवार का, परिवार का कोई काम रह गया करने के लिए? है लगाना है, बच्चों को लगाना है ज्ञान में। अच्छा, अगर बच्चे ज्ञान में जब तक नहीं लगते हैं तब तक तपस्या करने हम नहीं जाएंगे। मुंह बंद कर लिया कपड़े से, हाथ से डर गई। मन है जगह घूमने के लिए, मन का अपना सब करने मन है, इसलिए मदद कोई नहीं करेगा। आखिरी परीक्षा यही है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। वो परीक्षा शुरू हो गई सन 76 से। क्या इस दुनिया वालों से, दुनिया के देह के संबंधियों से, देह के पदार्थों से, मकान दुकान से, क्या नष्टो मोहा जो होते जावेंगे सोई भगवान के घर में ऊंचे पद पाते जावेंगे। तो तुम तो बंद गई, बाल बच्चे निकलेंगे तब हम भी निकलेंगे। हाँ हाँ, इधर वाला छोड़ देंगे, बाबा के घर में चल जाएंगे। इधर वाला छोड़ देंगे, वो पकड़ेंगे नहीं तुमको, ऐसे ही छोड़ देंगे। और बहुत चिंता, आपको चिंता बहुत लगी है? अरे छोटी छोटी बच्चियां घरवार को छोड़ करके पहुंच रही है, हैं? आप तो इतना बुढ़ापा आ गया, इतना क्यों डरते हैं? हाँ, छोटी छोटी बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियां भी घरवार छोड़ करके पहुंच जाती हैं और उनके घरवारे पुलिस को लेकर के पीछे पड़ते हैं, कोर्ट कचहरी करते हैं, तो भी कुछ नहीं बिगाड़ पाते। तुम तो बुढ़ी हो गई, तुम्हारे पीछे कौन पड़ेगा तो झड़क दो। बाबा पड़ेगा और कुछ? बाबा पड़ेगा, बाबा तो पढ़ाई हुआ है। हाँ, मदद तो नहीं करेगा बाबा? कर मदद नहीं कर रहा है, हैं? बाबा फालतू आकर के परम धाम से इस दुनिया में आके तुम्हारे लिए चिल्ला रहा है 70 साल से, हैं? ये मदद नहीं कर रहा है? तुम तो कह रही मदद करेगा, हैं? अच्छा और बाबा यहाँ बोला है कि मोह अगर करना है तो एक बात से करो, ठीक है? तो अब बात से मोह उत्पन्न करने के लिए परिवार का भाती बना करके हम बने, परिवार का भाती, जैसे परिवार के जो बेहद का जो हमारा परिवार है, हाँ, या अभी तक जो मानसिकता लोगों में बनी हुई कि ये हमारा हज का परिवार, जब हज के परिवार में जिनकी मानसिकता बनी हुई है कि हमारा हद का परिवार है, वो आत्मा बन चुके हैं कि देवान है? क्या समझते हैं अपने को? अपने को देह समझते हैं या आत्मा समझते हैं? देह समझते हैं, तो देह के संबंध याद आएंगे, उनका कल्याण याद आएगा। अगर प्रैक्टिस करते करते आत्मा बन चुके हैं, देह से लगाव टूट चुका है और स्टार आत्मा ही उन्हें याद आती है, और दूसरों को देखते हैं तो उनकी आत्मा स्टार ही याद आती है, तो उनका परिवार स्टार स्टार आत्माओं का हो गया, उन स्टार बनी हुई आत्माओं के परिवार का जो मुखिया है वो बाप उन्हें देखने में आवेगा या देह के संबंधी देखने में आवेंगे? बेहद का बाप ही दिखाई देगा। तो अपनी अपनी प्रैक्टिस है,
बाबा ने तरीका बता दिया अपन को, आत्मा समझ मुझे बाप को याद करो। अब कोई इस बात को गहराई से पकड़ते हैं, शुरुआत से ही फाउंडेशन अच्छा बनाते हैं, कोई ऐसे ही उड़ा देते हैं। अगर आत्मा है अपन को समझ लिया तो 84 जन्मों के संबंधियों की तरह बुद्धि जावेगी या सिर्फ इस एक जन्म के संबंधियों की तरफ बुद्धि जावेगी? ये एक जन्म की जो संबंधी है वो तमो प्रधान दुनिया के संबंधी है, कि सतो प्रधान दुनिया के संबंधी है? हमारी आत्मा के किस तरह के संबंधी है? तमो प्रधान दुनिया के, तमो प्रधान आखिरी जन्म के संबंधी है, महा दुखदायी है वो। मुरली में तो बोल दिया है कि माँ बाप होते हैं बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन। ये क्या बात हुई? शादी बर्बादी कराने में दिल्ली तो आखिरी जन्म के लिए बोला या पहले जन्म के लिए बोला? कौन से जन्म के लिए बोला? इस लास्ट जन्म के लिए बोला, जहाँ लोकलाज में दुनिया बंधी हुई है, माँ बाप भी लोकलाज में बंधे हुए हैं, बच्ची अच्छे रास्ते में जा रही है, ईश्वर के रास्ते में जा रही है, वो लोकलाज में बंधे हुए होने के कारण हाय मेरी बच्ची कहाँ चली गई, दुनिया क्या कहेगी? है? तो जो जो भाड़ में जाने वाली दुनिया है, भस्म होने वाली दुनिया है, उसकी लोकलाज की परवाह करते हैं, ज्ञान में चलने वाले भी कर रहे हैं ऐसे। और जो आने वाली नई दुनिया सामने खड़ी है, बाबा तीसरे नेत्र से दिखा रहा है ये दुनिया आने वाली है, 100 साल का संगम भी पूरा होने वाला है, उसकी लोकलाज की परवाह नहीं है। ज्ञान में चलने वाले माँ बाप का ये हाल है तो दुनिया का क्या हाल होगा? इसका मतलब नहीं पूरा निश्चय ही नहीं हुआ ज्ञान का, ज्ञान तो पूरा निश्चय ही हुआ बाबा, नहीं तो कल्याण तो पूरा पूरी पूरे जगत का तो सोल बन जाने से ही है ना। माया छठी है, माया है, है? हद का भी कल्याण है, बेहद का भी कल्याण, बेहद में आने से हद का तो कल्याण अपने आप हो रहा है। यही मंथन, यही मंथन जो बाप बार बार दोहरा रहे हैं बच्चे करो, तो वो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया अपने जीवन में लौकिक संबंधियों के प्रति? फॉलो ब्रह्मा फादर, किसको फॉलो करो? फॉलो ब्रह्मा बाप। तो ब्रह्मा ने क्या किया अपने लौकिक बच्चों को, पेट के पैदा हुए बच्चों को एक पैसा भी नहीं दिया, शादी कराने से ही इनकार कर दिया, गेट आउट जाओ। अभी भी बैठा हुआ है नारायण बच्चा बंबई में, जाके पूछ लो जाके। अब एडवांस ज्ञान वाले जब ऐसे कहेंगे कि लौकिक संबंधियों के प्रति भी तो हमारा कुछ कर्तव्य है, अरे कर्तव्य तो तुम्हारा तब है जब रचयिता के कंट्रोल में रचना हो। बाप रचयिता कहा जाता है, और बाप का बच्चा बाप के कंट्रोल में नहीं है तो बाप का खून है या किसी और का खून पड़ गया है उसमें? वो जो बच्चा बाप के कंट्रोल में ही नहीं है वो बाप का बच्चा है या किसी और का बच्चा है?
अरे किसका बच्चा है वो है? किसी और का बच्चा होगा? बाप का खून हो तो बाप की बात मानेगा ना, उसकी बुद्धि में उसके भेजे में खून कौन सा भरा हुआ है? आज घर घर में वैश्याल है, क्यों कहते हैं बाबा? फिर करें क्या? अभी तक तो नाक रगड़ पड़ रहे हैं, नाक रोज रगड़ रहे हैं, तो वहां लगाव लगा हुआ है, मेरा 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 मेरा। अंत में जाके पता चलेगा, जब प्रैक्टिकल में देखेंगे बच्चा बच्चा नहीं, बच्चा बाप का दुश्मन, गला काटने के लिए तैयार। बच्चा बाप की मौत करने के लिए तैयार, जेल में डालने के लिए तैयार, जैसे औरंगजेब ने शाहजहां को जेल में डाल दिया। चलो वो तो दूसरे धर्म का था, हम तो सनातन धर्म के हैं, 84 जन्म लेने वाली आत्मा है हमारी, वो तमोप्रधान अवस्था अभी आ गई। अब आइए जाके लास्ट में अच्छी तरह से समझेंगे कि बाप बाप नहीं रहेगा, बेटा बेटा नहीं रहेगा, माँ माँ नहीं रहेगी, बहन बहन नहीं रहेगा, भाई भाई नहीं रहेगा, पत्नी पत्नी नहीं रहेगी, सब लात मार के एक दूसरे को अपने रास्ता पकड़ेंगे, तब मोह टूटेगा। तो क्या फायदा, संसार ने जब ठुकराया तब द्वार तुम्हारे आया, तो नंबर कौन सा बनेगा है? नश्यो मोह अब्बल नंबर बनेगा या सबसे बाद वाला नंबर बनेगा? हाँ, बड़े चक्कर में डाल दिया। आप नीचे मुंह करके बोलेंगे, हमें तो वैसे ही नहीं सुनाई पड़ रहा है, एक तो भाषा प्रॉब्लम। हाँ, पत्थर को क्यों पूजा करके मंदिर में क्यों जाते हैं? पत्थर को क्यों पूजा करते मनुष्य लोग और मंदिर में क्यों जाते हैं? मंदिर में क्यों जाते हैं? तुम करते थे कि नहीं पहले? तुम करते थे कि नहीं? ऐसे करते थे ना, तो पहले अपने से पूछो क्यों करते थे, मंदिर में क्यों जाते थे? है भगवान को पुकारने? हाँ, इसलिए जाते थे कि पता ही नहीं था भगवान कहाँ है, तो भटकते थे, कभी मंदिर में जाते थे, कभी मूर्तियों के सामने जाते थे, कभी तीर्थों में जाते थे। आज भी मनुष्य अपने अपने तरीके से भटक रहे हैं, भगवान को नहीं जानते, भगवान बाप नहीं मिला है, तो कहीं ना कहीं तो भटकेंगे, इसलिए जाते। आप भी जाते थे, हम भी जाते थे। और मुझे में बाबा ने बोला कन्या के तन में किस तौर की प्रवेशता नहीं होती? नहीं होती है। फिर बड़ी मम्मी के तन में तो तुम मम्मी भी कहती जा रही हो, फिर उनको कन्या भी कहती जा रही हो, एक बात करो ना, दो दो बातें क्यों करती हो? तुम्हारी मम्मी है, माँ है या बच्ची है, कन्या है? बेल के तन है? है? शिव बाबा। हाँ, बैल में आता है। हाँ, बैल जो जिसे बैल कहा जाता है, बछड़ा तो नहीं है? बैल बछड़ा है कि बैल है? बैल है, उसका तो जाने कितनी गायों से संबंध जुटा पड़ा होगा, तो पवित्र हुआ या अपवित्र कहा जाएगा? है, बैल तो अपवित्र हुआ। बाकी जिसको तुम अम्मा कह रही हो, अम्बा कह रही हो, और सारे जगत की अम्मा, ऐसे नहीं देवी देवता सनातन धर्म की अम्मा, सूर्यवंशियों की अम्मा नहीं, हिंदू की, मुसलमान की, सिख की, ईसाइयों की, नास्तिकों की, सबकी अम्मा,
मुसलमानों को भी गोद में पाला है। अरे दिल्ली रूपी अम्मा ने मुसलमानों को गोद में राज्य दिया कि नहीं? उसकी गोद में मुसलमानों ने भी राज्य किया या नहीं किया? पले कि नहीं पले? अच्छे तरीके से पले, बढ़िया राज्य किया। क्रिश्चियंस ने भी राज्य किया, सिखों ने भी राज्य किया, दिल्ली की गद्दी पर हर धर्म के बच्चे ने राज्य किया। जैसे अम्मा की गोद में बच्चा क्या करता है, क्या करता है? राज्य करता है ना। तो वो अम्मा थी या बच्ची थी? अम्मा थी तो अम्मा तो अम्मा तो अम्मा ही होती है, कुंवारी कन्या थोड़े ही कहेंगे उसे। यज्ञ के आदि में माता में प्रवेश होता था कि नहीं शिव बाबा? हैं? यज्ञ के आदि में जो माताएं बताई गई हैं, उन माताओं में प्रवेश करने की बात मुरली में आई है या नहीं आई है? हैं? आई है, मुरली में बोला है ऐसी ऐसी बच्चियां थीं जो मम्मा बाबा को डायरेक्शन देती थी, दिल कराती थी, उनमें बाप प्रवेश करते थे, डायरेक्शन देते थे। तो आदि में सो अंत में, हाँ, गुलजार दादी जो है वो बचपन से ही आश्रम में पली है। छोटी सी बच्ची थी तब से आश्रम के वातावरण में पली है, विकारी दुनिया के वातावरण में नहीं पली। तो वो तो कन्या है, बाकी जगदम्बा जिसका टाइटल है वो एडवांस में जब से आई तब से जगदम्बा डिक्लेयर हुई। तो एडवांस में जो कन्याएं निकल रही हैं वो घर गृहस्थ की कीचड़ से निकल रही हैं या आश्रम के पवित्र वातावरण में पली है बचपन से? हैं? कहाँ पली है? घर गृहस्थ के कीचड़ में से निकल रही है। बाबा कह रहे हैं बाहर की दुनिया में तो सारे ही क्या है, सारे ही परिवार वैश्यालय हैं। पांच सौ साल पहले तुलसीदास ने लिख दिया भय वर्ण संकर समय, सब वर्ण संकर हो गए। कोई पक्का ब्राह्मण नहीं है, कोई पक्का क्षत्रिय नहीं है, कोई पक्का वैश्य नहीं है, सब एक दूसरे में रिद भिद गए। और नहीं आया तो मुझे ठंडी हो गई, माने समझ में नहीं आया। आ गया, आ गया, चलो। हाँ मुरली सुनते समय कोई बाहर से आ जाए, हाँ, तो उससे बात करके समझाना चाहिए या नहीं चाहिए? समझने के लिए आ जाए, क्यों नहीं समझाना चाहिए? मुरली रोक ले, हाँ, रोक के मुरली का खुद उठ जाओ। मुरली क्यों रोकना, मैंने बाबा को मुंह बंद कर दोगे? हैं? कोई बाहर से आ जाए नया आदमी समझने के लिए तो बाबा को कहो मुंह पर पट्टा बांधो हम जा रहे हैं, अब तुम जाके समझाओ जाके उन्हें। और हाँ पूरे तो मान रहा था, बोलो बोलो, समझ नहीं पाया इन्होंने ही नहीं समझ पाया। हाँ क्यों गरीब हो गया? हाँ क्या पुरुषोत्तम संगम युग में? हाँ, रोगी और गरीब बच्चा क्यों हुआ? बच्चे रोगी और गरीब क्यों हुआ? बूढ़ी माता है, ज्ञान बुद्धि में उतना चलता नहीं है, बच्चे अच्छे ढेर सारे पैदा किए हैं, उनमें सारी बुद्धि माथा खप गया। सीधी सी बात है, कोई आत्मा ज्यादा जन्म लेगी, ज्यादा जन्म लेते लेते सुख भोगते भोगते आत्मा की ताकत कम हो जाएगी या बढ़ेगी?
कम हो जाएगी। जब आत्मा की ताकत ही कम हो गई तो शरीर कैसा मिलेगा? रोगी मिलेगा, कमजोर शरीर मिलेगा, या महाराणा प्रताप की तरह बलवान शरीर मिलेगा? कमजोर शरीर मिलेगा, जल्दी बूढ़ा हो जाएगा, क्योंकि आत्मा में ताकत ही नहीं है। और गरीब क्यों बन गया बाबा? तो रोज बोलते हैं मुरली में भक्ति करते करते तुम गरीब बन गए। अब बाबा ज्ञान रतन दे रहे हैं, भक्ति में होती है अंधश्रद्धा। अंधश्रद्धा अंधविश्वास के काम करने से आदमी नीचे गिरेगा, फेल होगा या पास होगा जीवन में? है बिना सोचे समझे अंधश्रद्धा से कोई काम किया जाएगा तो गड्ढे में गिरेगा। सोच समझ के कोई काम किया जाता है, ज्ञानयुक्त बनकर के कोई काम किया जाता है तो उसमें सफलता होती है। तो गरीब होते जा रहे हैं। अभी हमको ज्ञान मिल गया है, अभी हम ऐसे काम न करें जो श्रीमत के बरखिलाफ हो। हमको ज्ञान मिल गया, अब हम कोई बड़ा धंधा शुरू कर दें, हमारे पास 10,000-50,000 जितनी जिंदगी कमाई इकट्ठी हुई हो, हम सारा कोई कारखाना खोल लें, छोटा मोटा बड़ा, और उसमें सारा पैसा लगा दें। बाबा मुरली में कहते सब धंधों में क्या है नुकसान, यही तो कहते हैं। हम जानबूझ करके फिर भी हमने सारी चटा पूंजियां कहाँ लगा दी? लौकिक धंधे में लगा दी, तो घाटा होगा या फायदा होगा? घाटा ही होगा ना, सब धंधों में घाटा हो रहा है। अभी वो 50,000 हम ईश्वरीय सेवा में लगा दें, भागे दौड़े इधर जाएं उधर जाएं, वहां हमारा संबंधी वहां संबंधी, उन सबको ज्ञान सुनाए। वो बेसिक में चलते थे, वो बेसिक में हमारे साथ चलते थे, हमारे बड़े प्रेमी थे, हम उनको सुनाए उनको सुनाए, वहां जाए यहाँ जाए, ईश्वरीय सेवा में वो सेवा पैसा खर्च करेंगे, गीता पाठशाला बनाए, गीता पाठशाला के लिए चित्र खरीदे, VCD खरीदे, TV खरीदे, लोगों को मोहल्ले परिवार से बुलाएं और उनको खिलाएं पिलाएं, उनकी उनको समझाएं, तो खर्च तो होगा कि नहीं होगा? वो पैसा ईश्वरीय सेवा में हमें लगाए देंगे तो आगे चल करके हमारी कमाई बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। दुनिया में एक ही धंधा रह जाएगा बड़े से बड़ा, ईश्वरीय धंधा, और सब धंधे चौपट हो जाने वाले हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, भगवान सिर्फ कहता नहीं है, भगवान सैंपल भी बना के सामने खड़ा कर देता है कि देखो ये सैंपल है, ये पहले गरीब था, ऐसे गांव में पैदा हुआ जहां इसको रोटी भी नहीं मिलती थी, भरपेट गरीब गांव, जहां मकान भी सब टूटे फूटे, गरीबों को आके विश्व की बात सही देता हूं। तो कैसे साहूकार बन जाता है फिर वो? जब सैंपल बन सकता है तो हम नहीं बन सकते हैं? नहीं बन सकते? बन सकते हैं। अब तुम दुनिया के प्रभाव में प्रभावित हो, अरे उसने देखो वो कारखाना खड़ा कर लिया, लोहे का कारखाना खोला है, जंगला दरवाजे बना बना के कितना रईस हो गया, इतनी बड़ी बिल्डिंग बना ली। हम भी ऐसे ही करें, जो भी चटपुंजिया है सारी वो कारखाना खोलने में लगा दी, तो किसको फॉलो किया? अज्ञानियों को फॉलो किया या ज्ञानियों को फॉलो किया? अज्ञानियों को फॉलो किया तो रिजल्ट क्या आवेगा? दुनिया के जितने भी अज्ञानी हैं, जो भगवान को नहीं पहचानने वाले हैं,
वो गड्ढे में गिरने वाले हैं, खलास होने वाले हैं, या संसार की नजरों में सरताज बनने वाले हैं? है? और अभी आधा घंटा और पड़ा हुआ है क्लास में, है? जो अखबारों के राइटर होते हैं ना, उनकी तो बुद्धि बहुत चलती है, बाल में से खाल निकालते हैं। बाबा, हाँ, कौन नाम मन चिंतन करे? कैसे मनन चिंतन मंथन करें? बाबा ने तो बताइए, यहाँ स्टार देखो, दिखाई पड़ रहा है? अच्छा, रुक जाओ, यहाँ स्टार दिखाई पड़ रहा है तुमको? दिखाई पड़ रहा है 24 घंटा? जैसे आसमान में तरैया दिखाई पड़ती है, सितारा दिखाई पड़ता है, ऐसे स्टार दिखाई पड़ रहा है कि भूल जाता है? नहीं भूला, 24 घंटे याद रहता है, हाँ? सोते जागते याद रहता है? झूठ बोलते बोलते शर्म आ जाती है। बस एक ही बात, अपनी भक्ति में स्टार को याद करते रहो, देखते रहो, तो सब कुछ हो जाएगा। एक ही काम कर लो, ज्यादा लंबा चौड़ा चक्कर नहीं, नष्ट हुआ अपने आप बन जाएंगे। क्या क्या करने से? हैं? आत्मा को, बाबा नहीं, इसे अपनी प्रकृति में बाबा नहीं बैठा हुआ है, आत्मा स्टार, उसको याद करते करते नष्ट हुआ ऑटोमेटिक बन जाएंगे। हाँ, 2-3 महीना का होगा, हम गए ना। हाँ, अरे हम कहाँ समझेंगे, इन्होंने नहीं समझ पाई तुम्हारी बात। बूढ़ा आदमी को भर्ती करने ले जाए ना ले जाए? हाँ हाँ, उनका कहना है कि बूढ़े हैं, उनको भर्ती करने ले जाए या ना ले जाए? क्यों नहीं ले जाओ? बूढ़ा आदमी चला जाए, कोई डिस्टर्ब हो जाए। एक बार तो हम लोग ले गए फारुखाबाद में, तो बड़ा मुश्किल से बचाए। किसको ले गए थे? बूढ़े आदमी को ले गए थे? माने इन सब यहाँ ज्यादातर बूढ़ी बैठी हुई, इन सबको भर्ती नहीं करानी है? अरे ये ज्ञान तो सबके लिए है ना, चाहे बूढ़ा हो। एकदम बूढ़ा को कैसे ले जाए? एकदम बूढ़ा माने? हम लोग गए तो वहाँ बीमार हो गया, हॉस्पिटल में भरना करना पड़ा, बड़ा जिस परिवार में कोई इतना बूढ़ा हो गया है कि उसको लेटरिन बाथरूम भी पकड़ के ले जाना पड़ रहा है, क्या तो वो वहाँ के परिवार वालों की ताकत के ऊपर है कि वो इतनी सेवा वहाँ कर सकेंगे? उसकी रास्ते में इतनी सेवा कर सकते हैं, इतनी श्रद्धा भावना है? अगर श्रद्धा भावना है तो ले जाए, क्यों मना करना है? जब बाबा बोलते हैं 106 डिग्री बुखार हो तो भी क्लास में आओ, क्या गीता पाठशाला में क्लास में जाना अटेंड करना होता है? किसी को 106 डिग्री बुखार चढ़ गया घर में तो जाओ या ना जाओ क्लास में? तो भी जाओ, तो बूढ़े को मना कर देंगे? क्यों मना कर देंगे? हाँ, वहाँ बहनों से पूछेंगे कि लाएं कि ना लाएं, कहीं काम उसी बता रही, मरमरा जाएगा तो हमारे ऊपर आएगा। हाँ, और यहाँ से टोल पूछे बड़ा भाई को ले गए थे। हाँ, बिरामी हुआ भर्ती। हाँ, दो दिन भर्ती हुआ था। हाँ, फिर तीसरा दिन उनको हॉस्पिटल ज्वाइन करना पड़ा, ज्यादा बीमार पड़ गया। हाँ, फिर हॉस्पिटल से
चले गए, जो पार्टी का भत्ती खत्म हो गया हाँ। उनके साथ फिर वापस आ गए आके तीन चार दिन में। कम से कम स्मृति तो रहेगी, मरते समय अंत समय में कौन सी स्मृति रहेगी? अंत समय में उसको स्मृति कौन सी रहेगी? नहीं, वो फरकाबाज की दो दिन की स्मृति रहेगी कि नहीं रहेगी? तो अंत मत सुगते हो जाएगी, कहाँ जन्म लेगा? ब्राह्मण परिवार में ही जन्म लेगा। तो अच्छा हुआ या खराब हुआ? दुनिया वालों की दृष्टि में खराब हो गया। ब्रह्मा कुमार कुमारियों को सब बीके वालों को सोना दोगे तो वो और आग लगाना शुरू कर देंगे, लेकिन ज्ञानियों की दृष्टि में बड़ा अच्छा हुआ। लेकिन वो बाबा को ढूंढ रहे थे दो दिन में भी कितना। हाँ, जो आत्मा मरने से पहले बाबा को सर्च कर रही है, ढूंढ रही है, तो मरने के बाद वो कहाँ पहुंचेगी? बाबा की नजदीक ही पहुंचेगी। इसलिए सरेंडर जो कन्याएं होती हैं, उनके माँ बाप जब मरने लगते हैं, डेथ बेड पे होते हैं, उनके घर वाले बुलाते हैं कन्या को, भेज दो, अम्मा का चेहरा देख ले, बापा का चेहरा देख ले, उनकी याद आ रही है उनके लिए, उनके प्राण अटके हुए हैं। तो हम उन्हें समझाते हैं प्राण अटके हुए तो अच्छा है, क्या ज्ञान में तो चले नहीं कभी, अभी उनके प्राण तुम्हारे पास अटके हुए हैं तो अंत मते क्या होगी? अरे अंत मते तो गति होगी, तुम्हारे ही पास चले आएंगे। और बाबा हाँ, एक ही घर में एक ही वातावरण था करिए, उस घर के बच्चे में भिन्न भिन्न स्वभाव होते हैं। हाँ, इसलिए होते हैं कि दो बातें काम करती हैं। जैसे बीज होता है, बीज होता है, बीज में संस्कार हैं, है ना? नारियल का बीज है, नारियल के बीज समंदर के किनारे डाल दिया जाता है तो बढ़िया नारियल का वृक्ष बन जाता है। एक तो बीज है और एक धरणी है, वहां का वातावरण है समंदरी वातावरण, तो बढ़िया पौधा बन गया। और वो ही नारियल ला करके मैदानी भाग में उत्तर भारत में जमीन में डाल दो, पैदा तो होगा, फल देगा है? नहीं फल देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि धरणी बदल गई, माहौल बदल गया। जो समंदर की खुली हवा थी वो यहाँ उसको खुली हवा नहीं मिल रही है, कहाँ मैदानी भागों में जो समंदर से दूर के इलाके हैं। आप कहेंगे नेपाल भी तो दूर है, दूर तो है लेकिन नेपाल ऊंचाई पर है, इसलिए समंदर की जो हवाएं हैं ऊंची वाली वो जब आती हैं ऊपर वाली हवाएं तो समंदर से होती हुई सीधी कहाँ टकराती हैं? पहाड़ पे। इसलिए यहाँ नारियल हो जाता है। बाकी जो निचले स्थान हैं मैदानी भाग हैं वहाँ उन्हें माहौल नहीं मिलता। तो दो बातें काम करती हैं, एक तो बीज के अंदर के जन्म जन्मांतर के संस्कार, ये आत्मा बीज है, क्या इसमें 84 जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं। कोई मान लो पिछले 63 जन्मों में डकैती का काम करता रहा है और अभी इस जन्म में आकर के खुदा न खास्ता कोई साहूकार के घर में जन्म ले लेता है, बढ़िया साहूकार, बेईमानी न करने वाला, उसके चार बच्चे हैं। अब वो एक बच्चा वो जो जन्म जन्मांतर डकैती करता रहा वो आके पैदा हो गया, तो वो डकैती की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा, भले अच्छे घर में जन्म लिया। दूसरा बच्चा ऐसा है जो पिछले जन्म में विद्वान रहा है, पंडित रहा है, जिसने स्कूल कॉलेज खोले हैं, वो आकर के वहीं जन्म लेता है उसी परिवार में, तो चोर डकैत बनेगा, क्या बनेगा? विद्वान आचार्य ही बनेगा। तो दो बातें काम करती हैं, एक तो माँ बाप का परिवार का माहौल काम करता है, वो धरणी काम करती है,
जो माँ बाप के संस्कार हैं वो भी बच्चों में आते हैं, परिवार के संस्कार भी बच्चों में आते हैं, और साथ साथ जो पूर्व जन्म के आत्मा में संस्कार भरे हुए हैं वो भी अपना काम करते हैं। इसलिए ऐसा परिवर्तन हो जाता है कि एक ही परिवार में चार तरह के बच्चे हैं और चार तरह का काम करते हैं। और आज तो घर घर में ऐसा ही है, घर में बड़ा बच्चा जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ, छोटा बच्चा जा रहा है जनता पार्टी की तरफ, बीच वाला बच्चा जा रहा है बहुगुणा की पार्टी की तरफ, बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ। क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है? क्योंकि पूर्वजन के संस्कार भी काम करते हैं। माँ बाप कितना भी चाहे उनको मोल्ड करना चाहे लेकिन मोल्ड नहीं होते। भाई जी आप धूप में से इधर आ गया, बैठ जाओ धूप पे, काहे बैठे? हाँ यहाँ है छाया है। अच्छा हाँ, 15-16 तक समझाएंगे हैं। बाबा ने मुरली में बोला है, बाबा का जो समझाने का पाठ है 15-16 तक समझाएंगे, समझाने का जो है, तो उसके बाद जो समझाने का पाठ नहीं रहेगा। अगर समझदारों की पैदाइश हो जाए, जितने समझदार चाहिए जो दुनिया को टर्न कर दें, परिवर्तित कर दें, तो काम पूरा नहीं हो गया? अच्छा सबसे बेसमझ कौन है ब्राह्मणों की दुनिया में? ऐसी आत्मा ब्राह्मणों की दुनिया में बेसिक में या एडवांस में कौन है जो सबसे ज्यादा बेसमझ है? कौन है? बच्चा बुद्धि है कि नहीं? सबसे बड़ा बच्चा बुद्धि है या कोई से कम है, ज्यादा भी है? अरे एडवांस पार्टी में इतने सब यहाँ बैठे हुए हैं क्लास में, सबकी बुद्धि में ये बात बैठ गई कि गीता का भगवान कौन है? शिव बाबा है, प्रैक्टिकल में है। गीता पति भगवान है, गीता माता है। उस आत्मा की बुद्धि में बैठ गया? नहीं बैठा ना। तो जब उसी आत्मा की बुद्धि में नहीं बैठा तो बेसिक में जितने बैठे हुए हैं उनकी बुद्धि में बैठ जाएगा? तो सबसे बड़ा बेसमझ कौन हुआ है? ब्रह्मा की सोल सबसे ज्यादा बेसमझ हो गई। तो पढ़ाई किसके लिए चल रही है? हैं? उसी बच्चे के लिए चल रही है। तो सबसे ज्यादा बेसमझ, लेकिन बाबा का सबसे ज्यादा प्यारा बच्चा है या नहीं है? है? जो भी प्रैक्टिकल बड़ा बाबा जिसे आप कहते हैं, उसका नई दुनिया बनेगी तो पहला बच्चा कौन होगा? है? तो सारी पढ़ाई किसके लिए चल रही है? एक के लिए चल रही है ना, वो एक की पढ़ाई कब पूरी होगी? अरे कोई काम कोई टाइम निश्चित है या नहीं है? जो वो आत्मा की पढ़ाई पूरी हो जाए और पूरी पढ़ाई होने के बाद फिर वो बेसिक वालों की तरफ मुंह भी न करे, मुड़े भी नहीं बुद्धि से, मन बुद्धि से, वो एक में ही समा के रह जाए, वो टाइम कब आएगा? क्यों 18 में क्यों आएगा, 20 में क्यों नहीं, 25 में क्यों नहीं, 15 में क्यों नहीं? सुन लिया तो 18, इसको कहते हैं भक्ति। संपन्न नष्टमो बन जाएगा। अरे
18वीं क्यों नरसिम्हा बन जाएगा, 25वीं क्यों नहीं, 15वीं क्यों नहीं, 10वीं क्यों नहीं बन जाए? कोई प्रूफ होना चाहिए ना हर बात का। प्रूफ तो है, सुना भी है। बेचारी बूढ़ी माताओं को भी याद नहीं रहता, ऐसे ये 5-7 साल पुराने बूढ़े बूढ़े बैठे हुए हैं, याद ही नहीं रहता। याद आ गया? नहीं आया? आनंद भाई है, ब्रह्मा वाली आत्मा सन 18 में ही क्यों पढ़ाई पूरी होगी उसकी? आत्मा के 50 साल। हाँ, कोई आत्मा है जिसके षष्ठी चक्र में से 50 साल साकार शरीर से कम हो जाते तो तब तक उनको सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर का बंधन तब तक है जब तक उनकी समझ परिपक्व नहीं हुई है। वो समझ परिपक्व हो जाएगी, अकलदार आ जाएगी। क्या अट्ठानवे से 18 तक कितने साल हुए है? 20-21 साल हो गए ना। तो मोस्टली अकलदार कब आती है? अरे सबको, जैसे बड़े बड़े बैठे हुए हैं सब लोग, अकलदार कब आती है, कितने साल में आती है? मोस्टली ज्यादातर 20-21 के बाद आती। तो 98 से लेकर के 2018 तक 20 साल पूरे हो जाते हैं, 21 साल। और ये अभी एक बात बताई, 18 जनवरी को शरीर छोड़ा ब्रह्मा बाबा ने, 2018 में 50 साल उनके पूरे हो जाएंगे। जो 5000 वर्ष में से ड्रामा में से साकार शरीर के लिए उनके नहीं है। हाँ, राम सीता को ढूंढने के लिए जंगल में क्यों भटक रहे? राम सीता ढूंढने के लिए, राम सीता को ढूंढने के लिए, हाँ, जंगल में क्यों भटक रहे थे? अच्छा, क्योंकि उनकी सीता रावण ने चुराए ली होगी है, इसलिए जंगल में ढूंढते फिरते थे कहाँ रुक छुपाई हुई है। देखे तो चल के बाबा कहते तुम सब सीताएं हो, तो राम वाली आत्मा भी सोचती है कौन सी सीता है, ये है कि ये है, ये है कौन सी है, ढूंढती फिर रही है कांटों के जंगल में। क्यों ढूंढने नहीं देंगे है? नहीं समझ में आया? राम वाली आत्मा कांटों के जंगल में ढूंढ नहीं रही है, है? ये कांटों का जंगल है सारी दुनिया। अंतर्यामी मेरे घर के पास में व्यक्ति आश्रम है, है? अंतर्यामी आश्रम, अंतर्यामी, हाँ। वो लोग मुझे कभी कभी फोन करके बुलाते हैं, वहाँ पर जाना चाहिए कि नहीं? मैंने गीता पाठशाला में बुलाते हैं, बेसिक वाले, हाँ? बेसिक वाले बुलाते हैं, बेसिक वाले बुलाते हैं, हाँ। तुम में अगर ताकत है ईश्वरी सेवा करने की तो उन्हें जाके धड़ाक से एडवांस ज्ञान सुनाना शुरू कर दो उनके सामने ही मुंह पे, क्या फिर तुम्हें बुलाना बंद कर देंगे, हमारी काम की नहीं है, अच्छा। है? है? हमारी बात है, हमारे ज्ञान की बात है, सुनोगे बाप को पहचानोगे तो हम तुम्हारे यहाँ खाएंगे। जिस दिन तुम बाप को पहचान लोगे तभी हम खाना शुरू कर देंगे। जो बाप को नहीं जानते वो है शूद्र संप्रदाय, मुरली में लिखा हुआ नास्तिक है। जो बाप को जानते हैं वो आस्तिक है। आस्तिक माने ब्राह्मण, नास्तिक माने शूद्र। हम शूद्रों के यहाँ भोजन क्यों खाएंगे? डर लगता है? नहीं लगता ना, अब धड़ाके से जाके सुना। वास्तव में आतरिया नाम नहीं होना चाहिए,
उतरिया नाम होगा, जो लड़ाई झगड़े पे उतर आए सच्चाई के लिए, उसका नाम उतरिया। वो बार बार बुलाएं, तुम बार बार जाओ क्या? अगली बार बुलाएं थे? हाँ हाँ, तो तुमने ज्ञान नहीं सुनाया होगा? सुनाया है? सुनाया। फिर वो लोग दो, एक दीदी सेंटर की थी, हाँ, एक बहन की। हाँ, दीदी ने बोला बहन तुम बाहर जाओ। फिर मुझे बहुत क्वेश्चन पूछा, मैंने बोल दिया आंसर। हाँ, फिर दीदी ने बोला अब तुम यहाँ नहीं आओगी, मना कर दिया। हाँ, अभी तुम कह रही बुलाते हैं वो। पिछली बार फिर राखी बंधन के दिन बुलाया था। फिर बुलाया कि शायद हम उसको समझा लें। हैं, अच्छा, उम्मीद लगी हुई है। सुंदर सुंदर कन्या है ना, तो अगर ज्ञान में आ जाएगी हमारे बेसिक में, तो फिर अच्छी तरह से हमारा धंधा चलेगा। क्या बेंटिल जी देखो कैसी है, हैं, संदली में बैठा है ये। जाओ, जो जिज्ञासु आए उनको दृष्टि दो, ढेर सारे जिज्ञासु आ जाएंगे। कैसी बढ़िया दृष्टि है उनकी, धड़ाके से जाके उनको सुनाओ, डरना नहीं। क्या? हाँ, और कोई बूढ़ी माता को साथ ले जाया करो। क्या? हाँ, गुस्सैली भी बहुत है। मध्य भारत में एक कुमार था, बहुत अच्छा कुमार, देखने में भी अच्छा था, ज्ञान भी अच्छा सुनाता था। उसको दो चार बार बुलाया आश्रम में, समझाने से नहीं माना, वो अपनी बात सुनाता रहा, तो उसको विष पिला दिया। बेचारा हॉस्पिटल में कई कई हॉस्पिटल में चक्कर काटता फिरता रहा, अभी तक वो बीमार है, ठीक नहीं हो पाया। इतने दुष्ट हैं कि इनकी बात मत सुनकर। इसलिए बूढ़ी माता को साथ लेके जाना। क्या? बूढ़ी भी ऐसी नहीं, खोचड़। हाँ, सीधी शादी नहीं। चलो, टाइम हो गया।